एंजल आइज, दो रिंग ये हैं, दो रिंग ये हैं। इसका मैनुअल है, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर मैन। अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज सलमान हियर अगेन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बड़े मज़े का सीन है आज, फाइनली द वेट इज़ ओवर। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने अपनी गाड़ी का टोटल इंट्रोडक्शन बताया था और बताया था कि इसमें क्या क्या काम आने वाले हैं, तो उसमें एक चीज़ जो थी वो हेडलाइट्स भी थी। फाइनली आज हेडलाइट्स जो हैं वो रिसीव हो गई हैं। सो दीज आर द हेडलाइट्स। जगह थोड़ी कम है तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। एनीवे, लाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो ये मुझे कराची से मिली हैं, ओरिजिनल पॉश की लाइट्स हैं और इस टाइम काफ़ी गंदी हालत में हैं क्योंकि पता नहीं कितनी पड़ी हुई हैं। पहले करते हैं इनको साफ सबसे पहले, उसके बाद मैं फिर आपको जो है वो बताऊंगा कि कैसे खुलती हैं। और मज़े की चीज़ एक ये कि मैंने इसके साथ एंजल लाइट्स भी मंगवाई हैं, तो जिस तरह के आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी में पहले रिंग लगे हुए थे, तो सेम ये वही चीज़ ही है। और आज मैं लाइटों को खोलूंगा, इनको सर्विस करूंगा, इसमें ये जो एंजल आइज है ये भी लगा के दिखाऊंगा। आई होप इट्स गोना हेल्प यू ऑल। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन यू नो जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल बी देयर फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसको करूंगा साफ और उसके बाद मैं इसको खोलूंगा, फिर देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या सीन है, कैसी कंडीशन है, गुड है या नहीं है, जो भी सीन है आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो बैक कवर है ये रिमूव करेंगे प्लास्टिक के। इसके बाद बारी आती है हेडलाइट को खोलने की। अगर मैं जर्मन गाड़ियों की बात करूँ, स्पेसिफिकली लेट 90s और अर्ली 2000s की BMWs की, तो इसमें सीलिंग वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, ये सिंपल क्लिप लगे होते हैं, इनको खोलें और आपकी लाइट जो है वो खुल जाएगी। दूसरी गाड़ियों में क्या होता है, बेसिकली वो लाइट सील होती है और जब तक आप उसको हीट दे के ना खोलें तो वो नहीं खुलती। तो सिर्फ एक पेचकस पकड़ना और यू जस्ट हैव टू ओपन इट अप। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि क्योंकि ये काफ़ी देर की पड़ी होंगी, प्लास्टिक जो है वो हार्ड होके टूटने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये टूट गए तो फिर आपको इसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। सारे क्लिप खुल गए और ये स्लाइड हो के बाहर आ जाएगी। नहीं सर, ये हमारी लाइट खुल गई और ये लाइट पहले किसी ने खोली हुई है क्योंकि यहाँ पर देखें ये सिलिकॉन लगी हुई है इस जगह पर, तो इसको पहले किसी ने पंगे लिए हमें। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखूं तो लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कोई क्रैक श्रैक नहीं है, लेकिन आई मेक श्योर आई जस्ट मेक देम एज गुड एज न्यू। जितनी मिट्टी शिट्टी है इस जगह पे और ये सारी नीचे, ये सारी इसको साफ करें, उसके बाद ये रिमूव करें और फिर इसको दोबारा एंजल आइज लगा के सील कर देंगे। तो इसको मैं फॉर द टाइम बिंग साइड पर रखता हूँ और इसको देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट बैड, क्रोम वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। और अब बस मैं इसको साफ़ करूँगा, उसके बाद एंजल आइज लगाते हैं और उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये खोलना है क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग और इसी की वजह से जो है वो सारी गाड़ी की ग्रेस निकलनी है। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो इट्स gonna look bad. ये कहाँ से आ गया स्क्रैच? स्क्रैच है? नो। पहले मैं इसको कट लगाऊंगा, उसके बाद इसको आराम से उठाऊंगा
और फिर इसको वॉश करके अंदर से और बाहर से, और फिर इसको दोबारा पैक करेंगे हम। ओके, इसको मैं बड़े आराम से और तसल्ली से उठाऊंगा ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। इसको मैंने ऑलरेडी कट लगा दिए थे जिसकी वजह से ये आसानी से उतर गया। तो ये शीशा, और ये हमें सारी साफ़ करनी पड़ेगी। मैं इसका ये जो सिलिकॉन लगी हुई है ये साफ़ करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह करे आराम से हो जाए, तंग ना करे। इसकी जो सारी इन्होंने सिलिकॉन लगाई हुई थी वो मैंने रिमूव कर दिया। सिलिकॉन बेसिकली ज़रूरी होती है लाइट को सील करने के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा और जिस तरह इन्होंने लगाई हुई थी दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि हमने इसको साफ़ करना है और इनको साफ़ करना है ताकि हम इसमें एंजलाइज जो है वो लगा सकें। तो आप इसको साबुन से और सिंपल पानी से साफ़ करना है और दैट्स इट, यू गुड टू गो। तो लाइट मैंने साफ़ कर ली है सारी ऊपर से, मतलब बाहर से इसके शीशे वगैरह, और इसका फ्रंट साइड जो है सारा साफ़ हो गया। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसके रिफ्लेक्टर। तो द थिंग इज़, जैसे जैसे ये लाइट्स पुरानी होती जाती हैं इनके रिफ्लेक्टर जो हैं वो वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको किसी केमिकल से साफ़ करेंगे तो चांसेस हैं कि इसका रिफ्लेक्टर जो है वो उड़ जाए। तो सिर्फ इसी वजह से मैं इसको बगैर किसी चीज़ के, मैं पानी भी यूज़ नहीं करूँगा और मैं सिर्फ इसको टिश्यू पेपर से जो है वो साफ़ करूँगा, ये साफ़ हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं लगाना क्योंकि मैं पहले ऐसे लाइटें ख़राब कर चुका हूँ। अब बात आती है इसके रिफ्लेक्टर की। तो रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये शीशा, ये प्लास्टिक नहीं है, तो इस पे मैं आम सा कोई भी ग्लास क्लीनर जैसे कि ये ग्लिंट ये यूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करूँगा क्योंकि इससे फिर चांसेस हैं कि वो इस पे स्प्रे हो जाए और ये क्रोम उतर जाए। मैं इसको टिश्यू पेपर पे स्प्रे करके तो फिर जो है वो इसको अंदर से साफ़ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं टिश्यू पेपर लूँगा थोड़ा सा, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ग्लिंट जो है वो स्प्रे करूँगा थोड़ा सा, और फिर इसको फोल्ड करके इसको अंदर से साफ़, पहले बाहर से कर लेता हूँ और फिर अंदर से इसको साफ़ करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू इट, क्योंकि हम लाइट पूरी असेंबल नहीं कर रहे, डिसअसेंबल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन यही बेस्ट तरीका है इसको करने का। अच्छा, इसकी जो लाइट मतलब पूरी डिसअसेंबल क्यों नहीं की मैंने, इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल है, उसमें चांसेस हैं कि कोई चीज़ टूट जाए या इस तरह का कोई सीन हो तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। बेहतरीन, साफ हो गया बिल्कुल। और अब जो है वो मज़े वाला पार्ट शुरू होगा। अगर आपने मेरी पहले देखी हो गाड़ी जो इस टाइम हेडलाइट्स लगी हुई है उसमें, जब मैं पार्किंग ऑन करता हूँ तो इसमें रेड कलर की लाइट जो है वो ऑन होती है। मैं इस बार भी इसमें कुछ ऐसा ही सीन करूँगा, कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास बल्ब हैं, ये बिल्कुल छोटे से साइज़ के बल्ब हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और यही मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर फिट करूँ। ये वाइट कलर के हैं बेसिकली, मैं वाइट कलर के इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि रैप जो है उसका कलर कौन सा होगा। तो बेसिकली वाइट जो है ये हर किसी के साथ चलेगा, इससे पहले रेड था या रेड हर किसी ने कर लिया, तो आई जस्ट गो विद द वाइट। और मैं अभी इस बल्ब को चला के देखूँगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यस चल रहा है। इसको अब इसके पीछे फिट करके देखते हैं, देखते हैं कैसा लगता है और इसकी फिटिंग कैसे आनी है ये भी देखना। लेकिन उससे पहले
इस चीज़ को हमने कवर करना है क्योंकि ये जो है मसला ना करे कोई इस वजह से। तो इसको मैं दोबारा अपनी जगह पे ला के और इस पे स्लीव चढ़ा दूँगा। स्लीव क्या होता है, बेसिकली एक रबर की पाइपिंग होती है, श्रिंकेबल। तो इसको यहाँ से काट के, इतनी बहुत है, बजाय इसके कि आप टेप करें इसको, जो कि टाइम के साथ हार्ड हो जाती है या वो उतर जाती है, खुल जाती है। अगर आप काम करते हैं आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो उसकी बजाय आप ये हीट श्रिंक यूज़ करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी भी नहीं लगती और रिलायबल भी है। तो बेसिकली इसको हमने चढ़ा दिया और अब मैं इसको हीट दूंगा। मेरे पास इस टाइम हीट गन नहीं है, लेकिन मेरा ज़िपो है। तो देख, अगर आप देखें तो ये श्रिंक हो जाएगी अभी। ठीक है, बेहतरीन, टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा काम भी हो गया। और अब करते हैं इसकी फिटिंग इसमें। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका बल्ब, इसको कर लेते हैं साइड पे ताकि ये डैमेज ना हो। ओह, ये बल्ब भी फ्यूज़ है, चलो कोई नहीं। इसमें वैसे भी हमने HIDs लगानी है, तो डजंट मैटर। तो यार, इस तरह करके हमारा बल्ब जो है ये फिट होगा इसके अंदर। अगर आप देख रहे हो, अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं, तो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये इस तरह करके होगा फिट। इसको प्रॉपर फिट करने से पहले मैं एक बार बल्ब डाल के इसमें चेक कर लूँगा कि बल्ब जो है वो इसको टच तो नहीं करता, या बल्ब की जो प्रॉपर फिटिंग है वो आ रही है कि नहीं। तो इसको बल्ब तो अंदर बैठ गया, इसको मैं लॉक करता हूँ यहाँ से, आगे से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो बल्ब में और जो बल्ब हमने लगाया है उसमें, काफ़ी फ़र्क है, थोड़ी सी मतलब स्पेस है। तो इट्स गोना वर्क, दैट इज़ गुड। ठीक है, तो अब मैं बल्ब निकालूंगा और इसको मैं फिक्स कर दूंगा। और अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये इसमें लाइट आ रही है, दैट मीन्स इट्स गुड। और इस टाइम यहाँ पे भी लाइट आ रही है। बेसिकली जो लाइट का डिज़ाइन है वो इस तरह का है कि जब भी आप लो बीम चलाएं तो उसके साथ साथ मतलब प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन जो है वो इधर से निकले और बाकी ये रिफ्लेक्टर भी है जो वो ग्लो। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसके आगे एक शीट बना कर लगा दूँगा जिसकी वजह से सिर्फ हमें ये लेंस नज़र आएगा। और मेरे पास तस्वीर भी है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बजाय इसके कि पूरी लाइट नज़र आए, सिर्फ ये नज़र आए हमें। तो इसका स्केच लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई पेपर ले लें, ठीक है, और उस पर सबसे पहले इसका स्केच निकाल लें। उसके बाद जो भी आपके पास शीट है उसको आप काट लें और उसको इसके ऊपर चिपका दें। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, मेरे पास पेपर है और मैं पेपर इसके ऊपर रखूँगा और फिर मैं इसको काटूँगा। तो मेरे पास एक ये ढक्कन है और ये बिल्कुल इसके साइज़ का ही है तकरीबन। तो मैं इसको पकड़ूँगा, इसको दरमियान में रखूँगा और इसको मैं काट लूँगा, ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, ये मैं काट इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर फिटिंग मिल जाए एक बार, मतलब शीट में जब मैं शीट काटूँ तो उसमें मुझे कोई कमी पेशी ना करनी पड़े। शीट मैंने काट ली और मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूँगा कि क्या सीन है और फिटिंग कहाँ से कैसे आ रही है। ये आ गई, पेपर मैंने थोड़ा सा काट लिया है ताकि मुझे मज़ीद परफेक्शन मिल जाए और मुझे ज़रा खपना ना पड़े। ये सब कुछ बन गया हमारा। अब मैं जो मेरी शीट है जिसको मैंने काटना है वो पकड़ूंगा और इस पर इसका रफ सा स्केच लूँगा। मैं एक फाइबर ग्लास की शीट यूज़ करूँगा क्योंकि फाइबर ग्लास जो है वो डैमेज नहीं होगा। और इसको मैं थोड़ा सा ओवर साइज रखूँगा, वो इस वजह से क्योंकि मैं बाद में तो छोटा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने पहले ही छोटा काट लिया तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाला सुराख है, ये आप कोशिश करें कि ये जो प्रोजेक्टर है इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर आए। उसकी वजह ये है कि इस मॉडल में मेरी गाड़ी में बेसिकली हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। तो अगर मैंने प्रॉपर फिटिंग में बना दिया तो ये हेडलाइट की जो एडजस्टमेंट है वो काम नहीं करेगी। तो अब मैंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
ये इस तरह हो के इसमें हल्की सी मूवमेंट हो सके। एनीवे मैं इसको सबसे पहले मैं इसको काटूंगा और फिर बाकी देखने क्या सीन। मैंने ये फाइबर की शीटें काट ली हैं, दो काट ली हैं क्लिप दोनों, और अब मैंने इसको करना स्प्रे पेंट ब्लैक मैट। यार शीट बन गई फाइबर की और इसको मैंने पेंट भी कर लिया। बेसिकली मैंने दो बनाई हैं और लिटरली मुझे इस पर घंटा लग गया। वीडियो जो है वो तकरीबन कोई 20-25 मिनट की होगी, लेकिन इसके पीछे कम से कम भी कुछ 6-7 घंटे की मेहनत है। तो अब मैं बताता हूँ ये बेसिकली प्लेट्स किस काम आएगी। इसको अब मैं इसके ऊपर फिट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। इसकी फिटिंग मैंने थोड़ी टाइट रखी है। ये अब बन गया और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसकी लाइट। सही है, सही लगेगा, लाइट आएगी इसमें से। और ये ब्लैक वाली जो शीट है इसका ये पर्पस है कि वो जो बाकी सारा रिफ्लेक्शन था वो खत्म हो गया। दैट इज अ गुड थिंग। चलें बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। अब बारी है एंजल आइज की, तो वो लगाते हैं एंजल आइज। दो रिंगे हैं, दो रिंग ये हैं। इसका मैनुअल है, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर मैन। और यस दे आर वर्किंग। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ फिट करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक बार चला के चेक कर लें, बजाय इसके कि आप फिट कर लें और वो चीज़ ख़राब निकले और दोबारा फिर उसको आपको खोलना पड़े सारा। तो आप एक बार चेक कर लेना, दैट इज़ अ गुड थिंग। जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको अलाइन करना है ताकि जब आप इसको फिट करें तो आपको कोई इश्यू ना हो। तो आई गेस ये यहाँ पे ठीक रहेगी, बस इतना सा काम है। अब ये हमारा साफ हो गया, सॉरी ये हमारा फिट हो गया और टेप भी नज़र नहीं आ रही इतनी खास। कोई थोड़ी वो जो आ रही है उसकी खैर है। इसी तरह दूसरे को करेंगे। जस्ट लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दे दूंगा। ये है इसका फ्रंट कवर और इसको भी मैंने साफ कर लिया था। इसके फ्रंट पे थोड़े से स्क्रैचेस हैं, लेकिन वो बात की बात है, ये ग्लास है, शीशा है, तो मैं इसको बफ नहीं कर सकता। लेकिन एक और तरीका है, वो जब मैं करवाऊंगा जिससे स्क्रैच सारे मतलब जो है वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बात की बात है। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ इसको जो है वो फिट करेंगे अभी। हाँ, ये मैंने पहले साफ़ कर लिया था, ये भी साफ़ है। अब मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो हाई बीम हमेशा अंदर वाली होती है, अंदर वाली साइड। इसको पकड़ के, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन आपने टेंशन ले लेनी, मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक दिस। आपको पता चल जाएगा खुद ही कि वो जब अपनी फिटिंग में आएगा ना, तो आप खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो बैठ गया है। ये दो क्लिप है और एक ये क्लिप है, तो ये पकड़ लेगा इसको खुद ही। आप कितने ये वाला फिर सेम प्रोसेस है, पहले ऊपर से बिठाएंगे और उसके बाद फिर नीचे की तरफ। हमारी तार नीचे फंस गई है, चलो निकल। दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक।
सील करने से पहले मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँगा कि ये ठीक बैठा हुआ है कि नहीं। ठीक है, सिलिकॉन, जस्ट मेक श्योर आप जब भी इसको यूज़ करें तो सिलिकॉन गन के साथ करें। तो शुरू करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि सिलिकॉन बेसिकली ग्रे कलर की है मेरे पास। असूली तौर पे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगानी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, जिसकी वजह से मैं ग्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे भी इसने नज़र नहीं आना, तो इट्स नॉट गोना अफेक्ट एनीथिंग, लेकिन फिर भी अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अभी मैंने इसका ये लगा दिया, मैं इसको अभी छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं बिल्कुल साइड पे रख दूंगा। और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे बाद जब ये थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी और जब ये थोड़े से शीशे को होल्ड करेगी तो फिर मैं इसको इसमें फिट करूंगा। तकरीबन 2 घंटे बाद सिलिकॉन इतनी सूख गई है कि मैं इसको उठा के तो इसमें फिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर खड़ा करूँगा और इसको पहले लेफ्ट वाली को इसके पीछे से डाल के पार्किंग वाली साइड पे लेके आने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों तारों को मैं आहिस्ता आहिस्ता खींचूंगा और ये सील करने की कोशिश करूंगा हेडलाइट। ठीक हो गया, ये फिट हो गई लाइट। ओके, कंप्लीट। जो हमने ब्लैक कलर लगाया था उसका ये फायदा है कि वो बाकी पीछे से सारे रिफ्लेक्टर जो है वो गायब हो गया और ये लुक दे रही है, एक साइड ब्लैक और एक साइड क्रोम। अच्छा यार, इसकी वायरिंग का तरीका बहुत ही सिंपल रखना है, मैंने कोई तार नहीं काटनी इसकी, हर चीज़ ओरिजिनल रहेगी। तो बेसिकली ये इसका पार्किंग का बल्ब है, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, और हमारे पास जो तारें हैं उसमें भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब मैं क्या करूँगा कि बजाय इसके कि मैं कोई तार छीलूँ इसकी ओरिजिनल और उसमें लगाऊँ, मैं इसके बल्ब के साथ ही इसकी फिटिंग कर दूँगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नेगेटिव साइड पर भी इसी तरह करेंगे हम। ये आगे नेगेटिव साइड, और अब हम इसमें लगा देंगे इसका बल्ब ताकि ये तारें निकलें ना। ठीक है, और इसके ऊपर हल्की सी टेप कर देंगे ताकि जस्ट इन केस यू नो, जस्ट फॉर द सेफ साइड। अब चेक करना है हमने कि ये जो हमने कनेक्शन किए हैं ये चलते हैं कि नहीं। तो सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट करंट दूंगा और देखूंगा कि चलता है कि नहीं। जिस तरह गाड़ी में करंट आता है सेम उसी तरह करंट दूंगा। तो पार्किंग ये वाली ओरिजिनल भी चल रही है हमारी, ये बेसिकली हम चाहें तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर हमारा मूड हुआ तो हम बल्ब उतार देंगे। और यहाँ से इसकी ये छोटी वाइट वाली प्रोजेक्टर के अंदर भी चल रही है और एंजल आइज भी चल रही है। ठीक है, वैसे इसको लगा के देखते हैं पहले कि कैसे लगता है इसके साथ। नॉट बैड यार, ये भी सही लग रहा है। ऑरेंज कलर का पर्ल, इसको इसी के अंदर डाल के फिट करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह हमारी लाइट साफ भी रहेगी और गंद भी नहीं बचेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर भी नहीं लटक रही होगी। इसका बैक कवर लगाते हैं। बैक कवर भी लग गया, ये वाला कवर भी लग गया। तो ये हेडलाइट होगी हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब दिस चैनल।